खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग हम कैसे करेंगे। जैसे ये वाली कुर्ती है, इसमें ये कॉलर लगी हुई है, ये रेडीमेड कॉलर लगी हुई आई है और इसमें ये बटन भी लगे हैं और इसमें ये बाजू भी अटैच है। ये वाली इसकी सलवार है, तो इसकी कटिंग तो मैंने पहले कर ली है और अब मैं आपको ये कुर्ती की कटिंग बताऊंगी कि कुर्ती की कटिंग हम कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि YouTube शॉर्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमने भी एक खुशी बुटीक शॉर्ट स्टार्ट कर लिया है। इस पे आपको एक मिनट से कम के वीडियो में बहुत ही नॉलेज मिलने वाली है, तो खुशी बुटीक शॉर्ट को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगर आपको पंचा डिजाइन के वीडियो देखने हैं तो हमने एक और चैनल स्टार्ट किया है आंचल बुटीक नेम से, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके की कुर्ती है, इसमें ये कॉलर लगी हुई है और इसमें ये बटन भी लगे हुए हैं और इसमें ये बाजू भी अटैच है। तो कई लेडीज ऐसी होती हैं कि इस सूट को देख के ये बोलती है कि इसमें बाजू लगी हुई है और इसमें नेक भी बना हुआ है, तो इस कुर्ती की हमें फिटिंग करवानी है। तो ये कई लेडीज सस्ते के चक्कर में ये बोल देती हैं और इसकी यहाँ से फिटिंग करवा लेती हैं, तो ऐसा करने से इस कुर्ती की फिटिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस कुर्ती की कटिंग हमें कैसे करनी है। जैसे आप इस बाजू को हटा लीजिए, यहाँ से बाजू को यहाँ से हटा देंगे, इस बाजू को भी हटा देंगे। देखिए, मेरी तरह आप मत खींच लीजिएगा, अपने कपड़े को संभाल के सिलाई हटाइएगा। मुझे पता है इसमें ये नहीं फटेगा, तो इसलिए मैंने ये खींच दिया है। इसकी दोनों बाजू मैंने हटा दी है। अब जैसे हम इसका ये नेक भी हटाएंगे, यहाँ से जो ये कॉलर लगी हुई है इसको भी हमें हटाना है, इस कॉलर को भी हमें अलग कर लेना है। देखिए, इस कॉलर में कागज लगा हुआ है, इसमें पेस्टिंग या बुकरम नहीं है, इसमें ये कागज लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें ये कागज़ लगा हुआ है, तो ये कॉलर सही नहीं है। इसमें हम बुकरम या पेस्टिंग लगा के इस कॉलर को रेडी करेंगे। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से हमें कंधी भी हटानी है, ये कंधी हटाने का कारण मैं आपको बता देती हूँ। ये कंधी भी मैंने हटा दी है। देखिए, ये फ्रंट पार्ट हुआ और ये बैक पार्ट हुआ और ये मैंने दोनों बाजू हटा ली है और ये वाली मैंने कॉलर भी हटा ली है जिसमें ये कागज़ डाला हुआ था। इसकी कटिंग करना भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम इसको यहाँ से मोड़ लेंगे। मैंने इसको मोड़ लिया है। अगर आप इसमें दोबारा से कॉलर लगाओगे तो कॉलर भी लग जाएगी। अगर आप इसमें कॉलर नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर इसमें नेक भी बना सकते हैं, जो खुला नेक होता है, गोल नेक, गोल गला भी आप इसमें बना सकते हैं। तो मुझे इसमें कॉलर ही दोबारा से लगानी है, तो मैं यहाँ से इसकी कटिंग नहीं करूँगी नेक की। ये मैंने फ्रंट पार्ट फोल्ड कर लिया है, इसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे और इस बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रख लेंगे और ऊपर की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे बैक पार्ट को ऊपर की साइड। अब हम यहाँ से तीरा का निशान लगाएंगे, तीरा हमें रखना है 13 इंच, तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.25 इंच पे, क्योंकि हमें बंद गले की कुर्ती बनानी है तो हम ऊपर से डाउन करेंगे, इसलिए हम तीरे में 1.25 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जैसे मुझे इसमें 36 इंच चेस्ट रखनी है तो मैं इसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से ये सिलाई मार्जिन ले लेते हैं और यहाँ से चाक का निशान लगा लेंगे। चाक आपको जितना रखना है निशान लगा लीजिए यहाँ पे। यहाँ से हिप का निशान लगाएंगे, 21 इंच हिप का निशान लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। अब हम जैसे कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का निशान लगाने से पहले हमें प्लेट का निशान लगाना होगा। प्लेट हमें लगानी है 10.5 इंच पर। यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे,
प्लेट की लंबाई लेंगे 5 इंच। यहाँ से इस प्लेट के बीच में निशान लगाएंगे। इस निशान से हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमें रखनी है 32 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे नहीं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें प्लेट लगानी है। इस निशान को हम कमर वाले निशान से मिला देंगे और इस निशान को हम हिप के निशान से मिला देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। यहाँ पे मुझे कॉलर लगानी है, तो पहले इसमें कॉलर लगी हुई थी, यहाँ पे बैक नेक की कटिंग नहीं हुई है, तो वो कॉलर सेट नहीं आ रहेगी, इसीलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच गला कटिंग कर लेते हैं बैक का। यहाँ से आप 1.5 इंच का नेक कटिंग कर लीजिए कॉलर लगाने के लिए। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम ऊपर वाले फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा 1 इंच पीछे हटा के कटिंग करेंगे यहाँ तक, और यहाँ इस फिटिंग वाले निशान से मिला लेंगे। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ से चाक का निशान लगा लेंगे। यहाँ से कमर का निशान लगा लेंगे। अब हम कंधी डाउन करेंगे। इसमें जैसे हम खुले गले का कुर्ता बनाते हैं, तो उसमें हम कंधी डाउन नहीं करते हैं, लेकिन ये हमें बंद गले की कुर्ती बनानी है। इसमें गला नहीं बनाया है हमने पीछे, तो इसमें हमें कंधी डाउन करनी होगी, तो इसलिए हम इसकी कंधी डाउन करेंगे। यहाँ से दोनों हिस्सों को बराबर पकड़ लेंगे, दोनों को बराबर रख लेंगे। जिस कुर्ती में बैक नेक बनाते हैं, उस कुर्ती में हम कंधी डाउन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हमने बैक नेक नहीं बनाया है, तो इसलिए इसकी कंधी डाउन कर दी है। अब हम कुर्ती की लेंथ ले लेते हैं। कुर्ती की लेंथ आपको जितनी रखनी है अपने हिसाब से रख लीजिए। मैं इसमें 40 इंच रखूँगी, तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लूँगी और ऊपर की साइड यहाँ पे अटैच कर लेती हूँ, तो इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। ये तो हो गई कुर्ती की कटिंग। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। दोनों बाजुओं को हमने इस तरह से रख लिया है और ऊपर से ये जो कटिंग है इसको हमने सही कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ मुझे बाजू की 16 इंच रेडी रखनी है, तो मैं यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से कटिंग कर देंगे और ये पट्टी जो लगी हुई है यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने बंद गले की कुर्ती की कटिंग कर ली है, और आप भी अपनी कुर्ती की कटिंग कर लीजिए। अगर आपको खुशी बुटीक शॉर्ट्स के वीडियो देखने हैं, तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए, और खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।